जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था ये वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले बना दी थी, बट आप लोगों के लगातार काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। जो अभी तक मेरे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है कि रिज़ल्ट आपका 15 दिसंबर को ही आएगा। उसमें कोई रिज़ल्ट की डेट में कोई चेंज नहीं है। तो भाई, कई दोस्त पूछ रहे हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, कितनी जा सकती है। तो भाई, इसका मैं अभी कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है मान लो मैंने 76 बता दिया कि 76 पे इतनी क्लियर हो जाएगी आपकी, और बाई चांस 78 चलेगी, तो ये जो एक हफ्ता है, एक हफ्ते के दौरान जो भी 76 के आसपास है वो सब बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे मेरे कारण कि हमारा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट टाइम अगर नहीं हुआ तो आपसे ज़्यादा दुख मुझे होगा, तो इसलिए मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता। बाकी ये एक हफ्ता है, अपना माइंड को काम रखिए। बाकी जिनको पता है, जिनके नंबर अच्छे आ रखे हैं, उनका तो नो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जिनको लगता है भाई कम नंबर है, तो अपना बिना वेट तो करिए, हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए, बट अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एक एक दिन, ये कंपटीशन आपको पता है कितने टफ होने वाले हैं आगे, तो एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़िए, कम से कम 2 या 3 घंटे तो निकालिए डेली। अगर आप को लगता है कि आपके नंबर कम है, तो डेली थोड़ा बहुत तो टाइम निकालिए पढ़ने के लिए। सारा टाइम इसी पे वेस्ट मत कीजिए कि पूरे टाइम यूट्यूब पे वीडियो देखते रहेंगे, भाई उसने ये बता दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसने ये बता दी, ज़्यादा किससे दूसरों के चक्कर में ना पड़े। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो पढ़ना ही आपको। और अगर आपको लगता है आपका दिल्ली पुलिस का कॉन्स्टेबल का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा ये एग्ज़ाम, तो फिर तो आप डेफिनेटली और पढ़िए। अपनी जर्नी को यही मत रोकिए एज ए कॉन्स्टेबल। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कंटिन्यू रखिए और CPO क्लियर कीजिए। उसके लिए एक सॉल्यूशन है, अपनी पढ़ाई को छोड़िए मत अभी। अगर आपको ये लगता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो भी आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई के हमेशा टच में रहें। दोस्तों, कुछ नहीं पता, आगे चल के आप बड़े अवसर से मिलेंगे, तो आपका भी मन करेगा कि हम भी एग्ज़ाम दें। तो उस तैयारी को, फ्लो को टूटने मत दें। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, फ्लो के अंदर है तैयारी के, तो उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए।